ट्रेन और किन्नर का साथ साथ ध्यान आते ही जेहन में जबरिया वसूली, उत्पात और दुर्व्यवहार की तस्वीरें कौंध जाती हैं। लेकिन केरल में कोचीन की मेट्रो ट्रेन ये तस्वीरें बदलने जा रही है। वहाँ वे आपकी सुविधा के लिए काम करते नजर आएंगे। कोच मेट्रो में किन्नर समुदाय के 23 लोगों को नियुक्त किया गया है। यह है मामला। केरल की सरकार ने किन्नरों के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए पहल की है। इसके तहत कोच मेट्रो में 23 किन्नरों को हायर किया गया है। ये टिकटिंग, सफाई, हाउसकीपिंग आदि से जुड़े काम करेंगे। फिलहाल इनकी ट्रेनिंग चल रही है और मेट्रो रेल व्यवस्था से परिचित कराया जा रहा है। किन्नरों की नियुक्ति कुटुंबश्री योजना के तहत की गई है। यह योजना खास तौर पर सामाजिक रूप से निचले पायदान पर खड़े समुदायों की महिलाओं, घरेलू हिंसा की शिकार, विधवा और तलाकशुदा स्त्रियों के लिए है। इसके तहत मेट्रो में 780 महिलाओं को हायर किया गया है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने हिजड़ों के खिलाफ होने वाले सामाजिक भेदभाव को दूर करने और उन्हें रोजगार देकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून को कोच मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। महिलाओं और किन्नरों की नियुक्ति के अलावा भी सोलर पावर के इस्तेमाल और जल व्यवस्था जैसी इसकी कुछ और अनूठी विशेषताएं हैं।